संजय, मैं तो क्या सोचते हैं बदलाव संकल्प महासभा को लेकर के, जो कि हजारीबाग में पहली बार किया गया जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ गांधी मैदान में। देखिए, आप लोगों ने ये कैमरे से भी देखा होगा, अपनी आंखों से भी देखा होगा, और इस बात की गवाही आज पूरे गांधी मैदान ने दी है कि किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। पहली बात ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का ये जो कार्यक्रम था, ये जो रैली थी, ये आप कह सकते हैं कि एक ऐलान पे लोग पहुँचे हैं। सिर्फ हम लोगों ने एक घोषणा की कि 16 जुलाई को मटवारी गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प महासभा करेंगे, और उसके बाद पूरे झारखंड के इलाके से हम लोगों के पास फ़ोन और मैसेज कॉल आने लगे कि हम लोग भी पहुँचेंगे। और रूत्री छोटा नागपुर प्रमंडल के साथ ही, खास करके आप चतरा के, हजारीबाग के, रामगढ़ के, मांडू के, कोडरमा के, गिरिडीह के, ये तमाम साथी यहाँ पर पहुँचे। आपने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। देखिए, राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा संदेश है कि जनता की जनभावनाओं पर जब आप खरा नहीं उतरते हैं तो जनता ऐसे ही अपना आक्रोश प्रकट करती है, और हम लोगों का आक्रोश अब तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। बावजूद इसके कई हमारे साथियों पर धारा 353 के तहत आप देखे होंगे कि केस दर्ज कर दिया गया। तो एक तरीके से परिवर्तन की ये गूंज थी, इस जनसैलाब ने परिवर्तन का एक संदेश दिया है, इस जनसैलाब ने झारखंड की राजनीति में एक हलचल पैदा किया है, इस जनसैलाब ने विकल्प की राजनीति को एक रास्ता दिखाया है, और इस जनसैलाब ने एक उम्मीद की किरणों को झारखंड की जनता के बीच एक कहिए कि रोशन किया है। आपने कहा कि राजनीतिक दलों ने जो अपेक्षा किया था, क्या उन राजनीतिक दलों को हरा करके गद्दी पर बैठ पाइएगा 2024 में आप लोग? आपका सवाल बहुत सटीक है। आज के दौर में राजनीति बहुत महंगी हो गई, और एक ऐसे दौर में जब राजनीति पैसे और पूंजी की राजनीति हो गई है, एक ऐसी परिपाटी बन गई है जहां पर राजनीतिक दल पैसे वालों को टिकट देते हैं, एक ऐसी परिपाटी बन गई है जहां पर पैसा होना नेता होने की एक पहली अनिवार्यता है, पहली एक योग्यता है। ऐसे में एक बहुत टफ है कि हम जैसे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो कैसे दखल देंगे। मुझे लगता है कि जब एक ऐसी रैली जो सिर्फ आह्वान पे जहां पर लोग पहुंच जा रहे हैं, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अगर हम लोगों ने कहा है कि हम लोग चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं, और जिस अधिवेशन में इस बात का ऐलान हुआ उस अधिवेशन के बाद ये पहली सभा थी। और आपने गौर किया होगा कि आम तौर पर जब कोई राजनीति में जाने का ऐलान करता है तो भीड़ उससे कट जाती है, फट जाती है। वो भीड़ कहती, कह रहे नहीं, ये लोग तो राजनीति करने लगे, पहले तो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आपने इस बात का शायद गौर किया होगा कि इसके ऐलान के बाद भी कि हम लोग चुनावी राजनीति में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है। ये इस बात की गवाही है कि झारखंड की जनता जाग गई है, और झारखंड की जनता परिवर्तन को लालायित है, और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन हो जाएगा जिस तरीके से। और लोग सोचते होंगे कि हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर, राजनीति के रणनीति पर, सामाजिक इंजीनियरिंग पर, सोशल इंजीनियरिंग पर कितना खरा उतर पाएंगे। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग पास हर तरह के चेहरे हैं। सामने देखिए मनोज यादव जी हैं, कितना संघर्ष किया इन्होंने छात्र राजनीति में। कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार झारखंड की राजनीति में दखल देने के लिए आप लोगों को ये दिखाई पड़ेगा कि जब 24 में लोग अपने उंगलियों पर नीली स्याही लगाएंगे तो ऐसे नौजवान जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जनता स्याही लगा करके वो बूथ के कमरे से बाहर आएगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। क्या गारंटी है जिस तरह से अभी भी जो सरकार में, मौजूदा सरकार में जो बैठे हैं कुर्सी पे, वो भी माटी पुत्र हैं? बिल्कुल। और आप लोग भी माटी पुत्र हैं, जनता को तो ये आश्वासन दे रहे हैं आप लोग कि हम लोग उससे बेहतर करेंगे, कैसे जनता ये चीज को मानेगी? देखिए, माटी पुत्र होना और पॉलिटिकल डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करना दोनों दो अलग चीज़ें हैं। जब आप राजनीतिक वंशवाद को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप माटी पुत्र कहला सकते हैं एक झारखंडी होने के नाते, लेकिन जो संघर्ष विनोद बिहारी महतो जी ने किया, जो संघर्ष गुरु जी ने किया, शिबू सोरेन जी ने किया, 4 फरवरी 1973 को जब ये पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इन सपनों के साथ बनी थी कि झारखंड के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। बेशक हेमंत सोरेन जी नेता हो सकते हैं अपने पार्टी के, झारखंड के लोगों ने उनको नेता माना भी है, तभी तो उनको जनसमर्थन मिला 2019 में। लेकिन 2019 में समर्थन मिलने का एक बहुत बड़ा विशेष कारण था कि जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो जाहिर किया था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को हम परिभाषित करेंगे, वो झारखंड में नहीं हो पाई। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक कोशिश की, लेकिन कोर्ट में कहते हैं गवर्नर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में एक सवाल बनता है कि अगर फिर डुमरी बाय इलेक्शन से ठीक पहले आप इस सभा में ऐलान करते हैं, एक सभा में, कि हम 1932 पर अड़िग हैं, 1932 हमारा मुद्दा था, मुद्दा है, रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा नहीं। मुद्दा कैसे खत्म होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, इस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, और तब हम जानेंगे कि 1932 के आधार पर सरकार ने एक ठोस नीति बना दी है। तो 1932 के लिए जब डुमरी के बाय इलेक्शन में फिर से हेमंत सोरेन ने खुद बहस छेड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये
देखने वाली बात होगी कि बाई इलेक्शन में वो क्या करते हैं। आप 1932 का बात करते हैं, 1932 का आपके जो अभी सत्ता दल के नेता लोग हैं वो भी बात करते हैं, और 1932 के अलावा कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, कोई महंगाई पे बात नहीं करता है, कौन वो बात करेगा, किसकी दायित्व है ये? हम लोगों ने लगातार बेरोजगारी पर बात किया। झारखंड में 4,64,000 सृजित पद हैं, सरकारी जो सृजित पद हैं उसमें 2,85,000 पद खाली हैं। हम लोगों ने सरकार को कहा कि इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड की अगर नौकरियों को समाप्त करना है तो आपको सबसे पहले ये प्राथमिकता सूची तय करनी होगी कि झारखंड की नौकरियों में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले। अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट का एक बेहतर पॉलिसी नहीं होगा कि कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, नियोजन की नीति कैसे बनेगी और नियोजन में किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, अगर ये स्टैंड क्लियर नहीं होगा, ऐसे में क्या होगा कि फिर से जो झारखंड पहले से अतिक्रमण का शिकार है उन नौकरियों में भी बाहर के लोग आकर के अतिक्रमण कर लेंगे। इसलिए हम लोग तो बार बार रहे हैं कि आप नौकरी दीजिए लेकिन उससे पहले नीति तय करिए। इसलिए कहते हैं कि पहले नीति फिर नियुक्ति, ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, और लगातार बेरोजगारी भी हम लोगों का मुद्दा है। लेकिन ये बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी? बेरोजगारी तब समाप्त होगी जो सरकार ने वादा किया कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय नौजवानों को मिलेगा। तो सरकार ये रिव्यू करे ना कि सरकार का जो ये कह सकते हैं कि श्रम विभाग का जो कार्यालय है जिला स्तर पर, वो एक सूची कलेक्ट करे पहले कि उसके इलाके में जो खान खनन स्टील की कंपनियां चल रही हैं, जो निजी कंपनियां वहां पर स्थापित हैं, क्या उसमें नौजवान 75% स्थानीय युवा काम कर रहे हैं, स्थानीय नौजवान काम कर रहे हैं? सरकार अपना रिव्यू कर ले, सरकार अपना रिपोर्ट मंगा ले। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बड़कागांव में एनटीपीसी खुलता है, अगर बांझे डी कोडरमा में खुलता है, अगर गोड्डा में अडानी खुलता है, और ऐसे अगर प्लांट झारखंड में बनते हैं, जमीन यहाँ के लोगों का अधिग्रहण होता है, तो ऐसे में एक सवाल पनपता है कि सरकार जो ये नियम लेकर के आई, जो विधेयक लेकर के आई कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय नौजवानों को देंगे, इस बहुत अच्छा कानून है, इसको आप इम्प्लीमेंट करिए ना। सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ दिनों पहले मीटिंग की थी, इस पर रिव्यू की थी, लेकिन कहाँ ये हो पाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नौकरी और बेरोजगारी तो हमारा बहुत बड़ा मसला है, उसी पर तो पूरा आंदोलन हो रहा है। ये आप नहीं कहिए कि हम लोगों ने बेरोजगारी को मसला नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग चूंकि नीति की बात कर रहे हैं इसलिए लगातार हम 1932 की भी बात कर रहे हैं। दादा, पिछले कुछ दिनों में एक हेमंत सोरेन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि नौकरी देना बहुत दिक्कत वाली बात है, नौकरी देंगे तो बहुत तरह का झेलना पड़ेगा, इसलिए नौकरी देना ही नहीं है, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं नहीं, देखिए चूंकि वो सरकार के बहुत जिम्मेवार पद पर हैं, झारखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सम्मान है उनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि सरकार के पास 4,64,000 सृजित पद है, 2,85,000 पद खाली हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि लोगों को नौकरी देने की बात, नौकरी सरकार 4,64,000 पदों पर दे देगी, एक दूसरा रास्ता है कि आप जो स्किल डेवलपमेंट है, झारखंड में आप देखते होंगे स्किल डेवलपमेंट का कई प्रोजेक्ट चलता है, आप एक तीसरा रास्ता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए कि कैसे यहाँ पर युवा स्वरोजगार भी कर सकें। देखिए, हर कोई नौकरी नहीं कर सकेगा, अगर कहीं कार्यालय में कोई नियुक्ति होनी है तो, अगर मान लिया कि अभी जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति आई है तो जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति के फॉर्म को कौन भरेगा, जिसने ग्रेजुएशन किया है। अब जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है वो, उसको नीचे की नौकरी तो चाहिए, अगर उसके पास वो भी क्षमता नहीं है तो उसको स्वरोजगार के लिए कौशल चाहिए। तो आप देखते होंगे कि स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट चलता है, झारखंड में भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। इन सारे परियोजनाओं पर सरकार को एक रिव्यू करना चाहिए कि हमारे कितने नौजवान स्किल्ड हुए, कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने स्वरोजगार से जुड़े, कितने एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े। अगर स्वरोजगार से युवा नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो भटकाव का रास्ता बहुत कह सकते हैं कि चले जाएंगे भटकाव के रास्ते पर। ऐसे में सरकार को एक चिंतन करने की ज़रूरत है नीति के स्तर पर। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहला कि आप नीति को स्पष्ट करिए जिससे नियुक्ति हो जाए, दूसरा स्थानीय क्षेत्र में जो आपने कहा 75% नौकरी देंगे इसको स्पष्ट कर दीजिए, तीसरा कि जो आप कौशल विकास की बात कहते हैं उस पर आप थोड़ा गंभीरता लाइए। तीन मसलों पर मुझे लगता है कि झारखंड के 10-15 लाख युवा एंगेज हो जाएंगे और नौकरी उनको मिल जाएगी। दादा, एक चीज, नियोजन को लेकर 6 महीने से आंदोलन चल रहा था, लास्ट में जाकर राज्यपाल से मिलकर वो जो सत्ता में ज्ञापन दिया गया था वो सब सबमिट किया गया, क्या लगता है कि इस बार पॉजिटिव व्यू निकल के आएगा, क्योंकि पहले पिछले भी जा चुका था और रिजेक्ट हो चुका था, इस बार गया है, क्या होगा, क्या लगता है लोगों को, क्या आश्वासन? देखिए, गवर्नर साहब ने कहा था कि आप इस पर रिव्यू करिए कि आपने जो कानून बना करके दिया है नियोजन नीति का, वो आप कोर्ट से रिजेक्ट हुआ था। अगर स्थानीय नीति की बात करेंगे तब वो गवर्नर के पास से रिजेक्ट हुआ था। कोर्ट ने इस पर ये कहा नियोजन नीति में कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए ये नीति कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। इस बात पर आपको समझने की ज़रूरत है कि झारखंड में एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो 60% है,
अगर ओबीसी कहती है कि 27% का आरक्षण दीजिए तो यह आरक्षण 73% हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और चूंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जुड़ा है तो ये 60% हो जाता है। ऐसे में सरकार ये कहती है, इस बात का हवाला देती है कि अगर हम नीति ये बनाएंगे तो ऐसे में कोर्ट पर स्टैंड नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने 60-40 की फिर बाद में नीति ले आई और उसके बाद जो पहला नीति था वो रिजेक्ट हो गया था। हम लोगों ने कहा कि 60-40 की नियोजन नीति भी हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर जो 40% की आप बात कह रहे हैं कि बाहर के नौजवानों के लिए ओपन टू ऑल आपने कर दिया है, ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरे राज्य के लोग जो हैं उसमें नहीं घुसेंगे। वो कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि वो 40% में 20% भी झारखंड के बच्चे आ जाएंगे, लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बना लिया है, जो गलत तरीके से नियुक्तियों में आवेदन कर रहे हैं, इससे कैसे बचेंगे। इसलिए इस बात पर कोई एक रास्ता निकालिए कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर, कि कैसे झारखंड के नौजवानों को प्राथमिकता मिले और ऐसे जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी है उसको कम से कम 90-10 तक ले जाइए। कम से कम 10% आप खुला रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 90% का हक झारखंड के नौजवानों को मिले, ये बात हम लोग कह रहे हैं लगातार। संजय मेहता, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जी जी, इस बार क्या गारंटी आप निकल करके विधानसभा में पहुंच जाइएगा? देखिए, चुनावी राजनीति एक अलग राजनीति है, मुद्दों की एक अलग राजनीति है। चुनावी राजनीति जनता पर डिपेंड करती है कि जनता क्या निर्णय लेगी, जनता आपको वोट देगी कि नहीं देगी। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर कई बड़े आंदोलनकारी हैं, कई स्कॉलर हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में सफलता नहीं मिली। योगेंद्र यादव इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, वो बहुत अच्छे एक स्कॉलर हैं, बहुत मुद्दों पर बात रखते हैं। मेरा कहना है कि चुनावी राजनीति में आपको जनता के साथ खड़ा होना होता है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना होता है। हम लोग चूंकि जनता के मुद्दे के साथ खड़े हैं, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 23 दिसंबर 2021 से 16 जुलाई 2023 की तारीख तक। जिस वक्त आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और इस बात का पूरा भरोसा है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, झारखंड के 32,623 गाँव, झारखंड के 464 ब्लॉक, झारखंड के 24 ज़िले और झारखंड के 5 प्रमंडल सभी हम लोगों को साथ देंगे और झारखंड में बदलाव की राजनीति को एक नया आयाम मिलेगा, ये भरोसा। छोटा सा सवाल जी, संजय मेहता लोकसभा या विधानसभा? संजय मेहता माटी की सभा की बात करेगा, ग्राम सभा की बात करेगा, लोकसभा विधानसभा जनता तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।